खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों से तजावजात खत्म करने का हुक्म दिया है। इसी पर बात करेंगे, सीनियर रिपोर्टर शमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शमील अहमद बताएगा हुक्मनामे में क्या क्या दर्ज है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कराची से जो हुक्मनामा जारी किया गया, उसका पहला हुक्मनामा है वो तजावजात के मुताल्लिक है, जिसमें अदालत ने मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों से तजावजात खत्म करने का हुक्म दिया है। जबकि अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि जो हुक्मनामे की कॉपी है तमाम अटॉर्नी जनरल, स्टेट जनरल और सरकारी इदारों को भेजी जाए। जबकि पैमरा कोविजन में पब्लिक सर्विस क्लासेस शाया और नशर करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने हुक्म में कहा है कि सूबाई हुकूमत 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावजात खत्म करें, मुतल्लिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावजात, अखराजात जो भी आएंगे वो तजावजात उन इदारों से नहीं जिनके बाहर ये तजावजात आए हैं। जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जनरल और केएमसी के वकील को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावजात हैं, कब्जा करने वाला समझता है कि इसकी अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना इसका हक है। जी शमील, ये बताएगा कि हुक्मनामा तो जारी हो चुका है, अब इसका अमल दरामद कब से शुरू होगा? 3 दिन का वक्त दिया गया है, क्या स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं? देखिए, स्ट्रेटेजी जो भी बनाई जाएगी वो तो जो मुतालिका इदारे हैं जिनको हुक्मनामा जारी किया और आज ये हुक्मनामा को मिलेगा, तो उसके बाद वो क्या स्ट्रेटेजी वाले अपनाते हैं वो 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तो सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची तजावजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर रिपोर्टर शमील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।